देखिए ईवीएम को लेकर के सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं पूरे देश की कंसर्न है। पारदर्शिता में कहीं ना कहीं कमी है, लोगों के विश्वास में कमी आ रही है और अब तो दुनिया भर के लोग जो हैं ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। सरकार दुश्मन की तरीके से क्यों व्यवहार कर रही है? सरकार को और चुनाव आयोग को चाहिए कि उसकी स्पष्टता करे, पारदर्शिता करे और उसको 100% विश्वासयुक्त बनाए। राहुल गांधी जी ने और क्या कहा? कहा कि भाई ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरीके से काम कर रही है। चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि इस पर लगे हुए संदेह के बादलों को छांटे, स्पष्ट करे और लोगों को पूर्ण पारदर्शी सिस्टम के साथ में चुनाव कराने की व्यवस्था कराए और वीवीपैट की 100% मिलान करे। ओटीपी की जरूरत ईवीएम को हो या न हो अपनी जगह पर है, लेकिन चुनाव के अधिकारियों को यह क्लियर करना पड़ेगा कि क्या इसको भी वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS को भी जरूरत नहीं है क्या? चुनाव के अधिकारी इस चीज को बहुत स्पष्ट करें, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करने का सिस्टम कोई होता होगा, क्या इसके लिए भी ओटीपी की आवश्यकता नहीं है? इलेक्शन कमीशन को इसका जरूर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन डिनायल मोड में क्यों है ये समझ से बाहर है। क्या छुपाना चाहता है इलेक्शन कमीशन ये भी समझ से बाहर है। और इलेक्शन कमीशन देश की जनता को 100% भरोसे के साथ चुनाव कराने में सक्षम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की यह विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बगैर किसी भय के, बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी खींच के लोगों के सवालों का जवाब दे और उनको संतुष्ट करे। कि गांधी जी की प्रतिमा को आप नया स्थान दे रहे हैं, सदन की कमेटी से बात नहीं कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने स्वेच्छा से करने की ठान ली है और कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ में कि विपक्ष से भी बात नहीं करनी है, अपने लोगों से भी बात नहीं करनी है, जहां माना जाएगा आप हटा देंगे, ये उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। इसका एक स्थायी भाव है, स्थायी समिति है जिसपे बात करने के बाद ये क्या नाम मूर्तियां हटाई जाती हैं, उनसे भी राय नहीं ली गई, इसलिए हमारा लोकतांत्रिक विरोध है। अब ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो हिंसा क्यों करते हैं। ये बात तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बतानी चाहिए। सच बात यह है कि हिंसा का स्वस्थ समाज में, स्वस्थ लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, लेकिन हिंसा को लोग करने वाले लोग हिंसा से बाज आएं और ऐसे असामाजिक तत्वों से राज्य सरकार को कड़ाई से निपटना चाहिए। पिछले 8 दिन में 4 से ज्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अमित शाह जी, शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से सुरक्षा बलों पर, जिस तरीके से आम नागरिकों पर, जिस तरीके से तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, उससे तो लगता है कि आपका पूरा का पूरा प्रशासन और आप दोनों स्वयं चूक रहे हैं और आप असहाय की तरीके से देख रहे हैं। भोजन, चिंतन, बैठक और विश्राम बाद में कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को खत्म कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी भी है, आपका कर्तव्य भी है। जिस तरीके से संशोधन मनमाने ढंग से किए जा रहे हैं, इतिहास को विकृत करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। इतिहास को अगर कहीं पे गलत है तो उसको सही करने की एक प्रक्रिया है, उसमें इतिहासविदों को साथ में लिया जाना चाहिए, उसमें एक बड़ी कमेटी बननी चाहिए, इतिहासविदों की राय से किसी भी चीज को ठीक किया जाए। लेकिन स्वेच्छा से या स्वेच्छाचार से अगर आप किसी भी पाठ्यक्रम को राजनीतिक विद्वेष की भावना से ठीक करेंगे तो उसका विरोध होगा। देखिए, बकरीद का त्यौहार एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का त्यौहार है। इसमें आदमी जो है धर्म के प्रति, समाज के प्रति एक सुप्रीम सेक्रीफाइस की भावना रखता है। बकरीद या ईद उल जहा पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को मुबारक हो और उससे लोग अच्छे तरीके से सीखें कि किस तरीके से लोग सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जिस तरीके से लोग तैयार रहते हैं, उसका उचित मतलब लिया जाना चाहिए। दुनिया भर के लोगों को बकरीद मुबारक।